अगर वो मर भी गई होती ना, अगर वो मर भी गई होती इस केस को, तब भी इसी तरह दबाया जाता, तब हमें ये बताया जाता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से दबाया जाता। नहीं कार्रवाई होगी तो फिर हम करेंगे प्रोटेस्ट, ऐसी कोई बात नहीं। हमें चाहिए न्याय। हमें पता क्या चाहिए, क्योंकि वैसे भी कानून बना था 14 वर्ष से छोटी उम्र की लड़की का रेप होता है, शरीयत फांसी दी जाएगी, हम भी यही चाहते हैं उन्हें शरीयत हमारे सामने लाया जाए। मेरे पास आपके सामने लाइन फांसी देने के लिए कानून से चलता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है देश, कैसे चलते मुझे बताइए। ये कौन सी बात कर रहे हैं आप, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन से पूरा देश चल रहा है, समाज चलता है, पॉस्को एक्ट हमने लगाया, 376 हमने लगाया, जो कानून बोलेगा उस प्रकार से उसका सजा भी। अगर प्रशासन नहीं संभाल सकता है मुजरिमों को तो यहाँ ले आइए, हम संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। बेवकूफ नहीं है क्योंकि कल को हमारे साथ हम सेफ नहीं है। जो भी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं, जो मुनासिब कार्य वो हम कर रहे हैं। आपका कॉपरेशन चाहिए ना, थोड़ा दंड होना चाहिए, मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। लोग हमारे ही लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं, किसी को अपनी ड्यूटी जाना है, कोई माँ बीमार है, कोई किसी नहीं सर, पता क्या मैं भी सफर कर रहा हूँ सर, मेरी बात सुना, सर मेरी बात सुना, मेरी बात सुना, एक मिनट मेरी बात सुना, सिस्टर मेरी बात सुनो, सर मैं भी सफर कर रहा हूँ, हर कोई सफर कर रहा है, अगर ये बोल रहे हैं हम नहीं बोलेंगे तो कल उनके साथ प्रोटेस्ट आप कीजिए प्लीज, पारदा सिंह ये भी हमारे ही लोग हैं, एक एक जो भी सफर किया इसमें भी उसी दिन एक्शन, चाहे किसी मंत्री की, संजय की, पुलिस की, किसी की भी लड़की हो, भाई बहन हम सब की है, सांझी जो है अगर वो मर भी गई होती ना, अगर वो मर भी गई होती इस केस को, तब भी इसी तरह दबाया जाता, तब हमें ये बताया जाता कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, तब हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वजह से दबाया जाता। बात नहीं हो गया।